मैंने कहा था कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यह कार्यक्रम क्या है। मैं बता दूं, यह कार्यक्रम नहीं है, यह समारोह नहीं है, यह सम्मेलन नहीं है, यह आगाज है महिलाओं की आजादी का। यह आगाज है महिलाओं की आजादी का, यह आंदोलन है महिलाओं की आजादी का। और मुझे इस बात को कहते हुए फक्र है महापुरुषों की इस परंपरा को आज आगे बढ़ाने के लिए। कितनी सारी महिलाएं, कितने सारे पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग, उम्र की कोई सीमा नहीं है। पांचवी में पढ़ने वाली बच्ची ने भी अभिव्यक्ति दी, ये तो हमारे पास समय की प्रतिबद्धता है, वरना उससे भी छोटे बच्चे और उम्र में बहुत ज्यादा भी यहां आना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, हम सबको समय नहीं दे सकते। हमारा मकसद आपको बुलाकर के बात रखवाना नहीं है, हमारा मकसद जो हमारे मन में गुलामी की जो बेड़ियां छुपी है, हमारे मन में जो डर छुपा है, हमारे मन में गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का जो साहस नहीं है, हम उसको प्राप्त करें, डर को खत्म करें और गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का जज्बा पैदा करें। इसलिए कार्यक्रम किया है। कुछ लोगों की अभिव्यक्ति है, किसी ने थोड़ी चोट मारी, किसी ने ज्यादा चोट मारी, किसी ने बड़ी चोट मारी, सारी चोटें मिलकर के गुलामी की बेड़ियां तोड़ेंगी। एक चोट से कभी गुलामी टूटती नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चोटें लगी हैं, उन चोटों में आपका भी योगदान है, आपकी तालियां भी बजती है, तब भी किसी किसी की गुलामी की बेड़ियां टूटती है। मैंने बहुत लोगों को रोक रखा है, फिर बताऊंगा आपको, क्योंकि जब कोई वक्ता बोलता है श्रोता के मन में एक भाव पैदा होता है, मैं भी उस भाव में बह चलूं। बस अभी तक यही कमी थी, कार्यक्रम बहुत हुई है, प्रशस्तियां बहुत हुई, भाषण बहुत हुए, लेकिन काम नहीं हुआ। धर्मभूमि ने सिर्फ एक ही आदमी को बोलने के लिए अधिकार दिया, मेरे को कहा कि आप ही बोलो, अकेला मैं ही बोलता हूं और बाकी सब लोगों को कहता हूं आप काम करो। धर्मभूमि के सारे लोग काम करते हैं और मैं सिर्फ बोलता हूं। आप सबकी लगी चोट से ये समाज बदल रहा है। एक बात बहुत विशेष है, अभी महिलाएं बोल रही थी, ये वक्ता नहीं है, हो सकता इनमें से अधिकांश ने कभी बोला भी ना हो। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे उसने अच्छा बोला, उसने कम बोला, उसने ठीक नहीं बोला, उसके शब्द ठीक नहीं थे, वो बहुत अच्छा बोल रही थी, ये सब बातें आपकी हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं, इस बात को समझिए। आपने कभी देखा होगा किसी पक्षी के घोंसले में एक अंडे को, जब वो अंडा टूटता है उसमें से चूजा बाहर निकलता है, वो बहुत कमजोर होता है, उसके पंख ताकतवर नहीं होते, वो उड़ नहीं सकता है, पंख वजन नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन वो घोंसले में बैठा बैठा ही पंख हिलाने का अभ्यास करता है। और एक दिन उसका मन और उद्धृत हो जाता है और वो घोंसले से बाहर निकल करके उड़ने का प्रयास करता है, और पहले प्रयास में वो चूजा नीचे ही गिरता है। नीचे गिरता है, चोट भी लगती है, वो फिर भी पंख फैलाता है, उड़ने का प्रयास करता है, और उसी प्रयास में वो एक दिन उड़ जाता है। मैं महिलाओं का प्रयास देख रहा हूं, मैं महिलाओं का प्रयास देख रहा हूं, उड़ने का प्रयास, आसमान की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास। कितनी धन्य समझती वो महिलाएं जो आज सफारी में यहां आई हैं, अपने आप को कितना गौरवान्वित समझ रही हैं वो महिलाएं जो श्वेत वस्त्रों में आई हैं, और कितनी उमंगें पैदा हो रही है उन महिलाओं के मन में जो आज रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर के आ रही हैं। जिनको पहले मौका मिला वो पहले आ गई, उन्होंने सफारी पहन लिया, जिनको थोड़ा बाद में मौका मिला वो सफेद कपड़े पहन करके आ गई, और जिनको आज पहली बार मौका मिला है वो जैसे घर में कपड़े थे रंगीन कपड़े पहन करके आ गई,
उनके कपड़ों को मत देखो, उनके प्रयास को देखो, उनके हौसले को देखो। यहाँ से जाने के बाद वो सारी सफेद पोशाक में होंगी और अगला जब कार्यक्रम होगा तो वो भी एक लंबी उड़ान लेकर के आसमान को छुएंगी। महिलाओं की आजादी का कार्यक्रम काम करने के लिए है, सिर्फ बात करने के लिए नहीं है। यह कार्यक्रम और भी कई मायनों में अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि समाज अपनी सोच बदले। अभी तक सभी लोग महिलाओं और पुरुषों के बराबर की बात करते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार मिले। बात इतनी सी नहीं है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिल जाए तो बराबर हो जाएंगी। बाबा साहब ये काम कर चुके हैं। जिस संविधान से, जिस कानून से देश चलता है, उस देश के संविधान में, कानून में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार है। और आप सब लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। कौन कौन लोग हैं जो बाबा साहब को मानते? ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, दोहरे आचरण ना करें, कैमरे में कैद करो इन सब लोगों को, क्योंकि गवाह चाहिए। अगर आप वास्तव में बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, महिलाओं की आजादी के पक्षधर हैं, तो इस बात को समझिए। बाबा साहब ने महिलाओं को संविधान में बराबर का हक दिया है, लेकिन जब तक आप व्यवहार में महिलाओं को बराबर का हक नहीं देंगे तो संविधान में दिया गया अधिकार कोई खास परिवर्तन नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं दूसरी बार हाथ उठवाऊंगा, थोड़ा सा समय ले रहा हूं। बाबा साहब में जो विश्वास करते हैं, जो जय भीम बोलते हैं, अपने घर में बाबा साहब की तस्वीर रखते हैं, जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब के नाम पर संगठन चलाते हैं, बस मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं, बाकी लोगों की बात नहीं है, वो सब तो साथ खड़े हो जाएंगे। बस आज के दिन से बाबा साहब की बात को भी मान लो और महिलाओं को उनके अधिकार लौटा दो, उनके अधिकार दे दो। भले ही महिलाओं ने आज तक कभी किसी मंच से मांग नहीं की, लेकिन उनकी तरफ से मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, बाबा साहब का आंदोलन है, महाकारुणिक बुद्ध का आंदोलन है, जिन्होंने पूरी दुनिया में महिलाओं की आजादी का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। और एक काम आज करना है जो हम आज से कर सकते हैं। आज के बाद इस बात समाज की कोई महिला घूंघट नहीं करेगी। ये संकल्प जो लेना चाहते वो हाथ ऊपर करें ईमानदारी के साथ, और नहीं कर सकते बुजुर्ग कमजोर लोग हो तो बदले उठ के चले जाएं। अगली बार मत आना, अगली बार मत आना, अगली बार के वही आए जो अपने घर में अपनी पत्नियों को घूंघट से मुक्त कर सके। और नौजवान भी ध्यान से सुन ले, आपकी शादी नहीं हुई हो तो ये मत समझना कि आप पर बात लागू नहीं होती है। और नौजवान को नौजवान नहीं है जो अपनी मां को घूंघट से मुक्त ना कर सके। वो नौजवान नौजवान नहीं है जो अपनी मां को घूंघट से मुक्त नहीं कर सके। हिम्मत के साथ आगे आओ। समाज को बदलने की बात करना बहुत आसान है, लेकिन दो उंगलियां उठा करके घूंघट को हटाना बहुत मुश्किल हो गया। सारे लोग दम भरते, देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, 70 सालों में देश तरक्की कर रहा है, बिल्डिंगें बन गई, रोड बन गए, लेकिन घूंघट 2 इंच भी नहीं हटा। कौन सी तरक्की कर रहे हो? इसलिए देश की तरक्की के पैमाने बदल लो। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से मापता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। अगर उस समाज की महिलाओं की स्थिति दयनीय है तो देश की हालत भी दयनीय है। अगर महिलाओं की आजादी नहीं है तो देश भी आजाद नहीं है। और अगर महिलाओं को स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है तो समझो कि आप सारे गुंगे बहरे हो। भले ये राष्ट्रीय बौद्ध महिला प्रतिनिधि सम्मेलन है, भले ही भारत की बौद्ध महिलाएं अपनी आजादी की बात कर रही हैं, लेकिन ये आगाज इस देश की तमाम महिलाओं के लिए है। अगर देश की तरक्की को मापना है तो महिलाओं की स्थिति को मापिए और आज से घूंघट प्रथा के खिलाफ अभियान चलाइए। नौजवान अपनी मां का घूंघट हटाएं,
शादीशुदा लोग अपनी पत्नी का घूंघट हटाएं, भाई अपनी बहनों को प्रेरित करें और पिता भी अपनी बेटी को ये शिक्षा देकर के शादी करें कि बेटी घर में जा रही है शादी के बाद, बस घूंघट मत करना। जिस दिन पिता ये कहने लगेगा, माँ ये कहने लगेगी, बेटी मेरी इज्जत रखना, महापुरुषों की इज्जत रखना, बस घर में जाके घूंघट मत करना। आप देखना, कुछ लोगों को अभी तकलीफ हो गई होगी, भक्ति जी क्या कह रहे हैं, हमारी इज्जत का क्या होगा। ये बात याद रखना, इज्जत का जो होगा वो हमें पता क्या होगा। अगर घूंघट नहीं हटाया तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी, इज्जत बनानी है तो घूंघट हटाइए, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, महिलाओं की इज्जत बढ़ेगी, देश की इज्जत बढ़ेगी और इतिहास में ये बात लिखी जाएगी। अलीगढ़ के मैदान से, धर्मभूमि धर्मशिला बुद्ध विहार के मैदान से, जिस जमीन को श्रद्धावान उपासी का धर्मशिला ने दान दी थी बुद्ध विहार के लिए, उस जमीन से आगाज हुआ था और वो आगाज देश के इतिहास में लिखा गया है। इसलिए जो ताली बजाना चाहते हैं कि वही ताली बजाएंगे जो अपने घर में घूंघट हटा पाएंगे, वरना ताली मत बजाना। भरोसा तो करता हूं लेकिन भरोसा टूट भी जाता है, लेकिन उम्मीद पूरी है। आज ताली बजा रहे हो तो घर में जाके घूंघट भी हटाओगे, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं। बस महिलाओं को उनके अधिकार लौटा दो, उनको नेतृत्व करने का मौका दो। बहुत से लोग पूछ रहे थे, पहली बार पंपलेट जारी हुआ, महिला सम्मेलन है, इसमें महिलाओं की तो फोटो ही नहीं। कुछ लोग उस पंपलेट में महिलाओं की फोटो ढूंढ रहे थे और हम उस पंपलेट में महिलाओं की गुलामी काटने के शस्त्र खोल रहे थे। हम जो करते हैं वो आपको समझ में कम आता है, इसलिए कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं। आज मंच पे आपने देखा, कोई भेद नहीं है महिलाओं में, कोई भेद नहीं पुरुषों में। जो काम पुरुषों को करना था वो पुरुषों ने कर लिया और जो काम महिलाओं को करना था वो महिलाओं ने कर लिया, यही तो आजादी है। हम दीवार नहीं खींचना चाहते, ये महिलाओं की घर ये दीवार है, ये पुरुषों की दीवार है। घरों में दीवार नहीं हो सकती। महिलाओं की आजादी का मतलब पुरुषों के खिलाफ खड़े होना नहीं है। महिलाओं की आजादी का मतलब पुरुषों के अधिकार खत्म करने का मकसद नहीं है। महिलाओं की आजादी का मतलब पुरुष और महिलाएं उस बुरे विचार को त्याग करके साथ साथ मित्र की भांति घर में रह सके। ये बाबा साहब ने कहा था, किसी भी व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र उसकी पत्नी होती है। किसी भी व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र उसकी पत्नी होती है। आप अपनी पत्नी को मित्र बना के देखिए, आप अपनी पत्नी को मित्र बना करके देखिए, अपनी पत्नी में मित्रता के गुण देखिए। 24 घंटे आपकी सेवा करती है, 24 घंटे आपका ध्यान रखती है, फिर भी आप उसे मित्र स्वीकार नहीं करते हो और मित्र नहीं बाहर तलाशते हो। सबसे अच्छी मित्र पत्नी है, तो मित्र को क्या गुलाम रखना चाहोगे? क्या मित्र को अधिकार विहीन रखना चाहोगे? क्या मित्र के साथ सहयोग नहीं करोगे? बहुत से लोगों ने अवधारणाएं बना रखी है, घर में बर्तन साफ करने का काम तो पत्नी ही करे, खतरे में पड़ गए हो ऐसी सोच को लेकर। जिस बर्तन में खाना खाते हो अपने बर्तन साफ करना सीख लो, ये मित्रता का भाव है। खाना बनाने में सहयोग करना सीख लो, वरना भूखे मरोगे। क्योंकि ये आंधी चलती है, नदियों में बाढ़ आती है तो वो रास्ते नहीं देखा करती है, उसमें वो सब गिर जाते हैं जो कमजोर होते हैं। हमारी समाज की बुनियाद बहुत कमजोरी पर टिकी है। आपने जितनी दृढ़ता के साथ महिलाओं का शोषण किया है, अगर उसी आकाश के साथ महिलाएं खड़ी हो गई तो चकला बिलन हाथ में आ जाएगा। भले महिलाएं ये बात ना कहें लेकिन मैं कह रहा हूं, इसलिए मिलजुल करके काम करना शुरू कर लो। पत्नी काम ना कर पाए तो पति करे, पति ना कर पाए तो पत्नी करे, कोई बुरी बात है क्या? रोज आपको बना के खिलाती है, एक दिन अपने हाथ से खाना बना के खिला के देखो, मित्रता का भाव स्थापित हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। इसलिए जो लोग हाथ बटाते हैं वो तालियां भी बजा रहे हैं और जिन लोगों को खतरा हो गया वो शांति से बैठे। महिलाओं की पहचान बनने लगी है, इसलिए मैंने कहा हमें परंपराएं तोड़नी है। गुलामी की बेड़ियां हमारे हाथों में पैरों में नहीं है, हमारे मस्तिष्क में है। इसलिए हमें परंपराएं तोड़नी है, वो परंपराएं जिनसे महिलाएं गुलाम बनी है, और उन परंपराओं में बहुत सी बातें हैं।
वस्त्र पहनना भी एक परंपरा है। हम बहुत समय से काम कर रहे थे लेकिन मुझे इन बातों का ज्यादा पता नहीं था। आगरा में जाके मुझे पता लगा आगरा की महिलाएं सूट नहीं पहन सकती, केवल साड़ी ही पहनेंगी। पहली बार पता लगा कि आगरा की महिलाएं साड़ी ही पहनेंगी, सूट नहीं पहन सकती। बड़ा अचरज हुआ। दलितों की राजधानी आगरा और वहां की महिलाएं सूट नहीं पहन सकती। हमने कहा सूट सूट नहीं, सफारी सूट पहनेंगी, सूट ही नहीं सफारी सूट पहनेंगी। और मुझे फक्र ये बात कहते हुए आज 100 से ज्यादा महिलाएं आगरा में रहने वाली सफारी सूट पहनती आज आई भी हुई है। चित्रा जी खड़े होना, आगरा की और भी हैं, पंडाल में भी होंगी। जितनी महिलाएं सफारी पहनकर सारी आगे आ जाए, अब आपकी जरूरत पड़ेगी। ये चित्रा जी देखिए, जिस बस्ती में रहती है वहां की महिलाएं सूट नहीं पहनती, सफारी सूट पहन करके आई है और बिना संगीत के कितना बढ़िया गीत गाया। भावनाएं छुपी है महिलाओं की, हम इनको नेतृत्व दें तो ये अपनी अभिव्यक्ति बना पाएंगी। इसलिए हमें वस्त्र भी बदलने हैं। आपको साड़ी अच्छी लगती है साड़ी पहनी, सूट अच्छा लगता है तो सूट पहनी, सफारी अच्छा लगता है तो सफारी पहनी है, जींस अच्छी लगती है तो जींस पहनी है, कपड़े ऐसे पहनी है जो अच्छे लगे, जो व्यक्तित्व को सुंदर बनाए, जो व्यक्तित्व की एक पहचान दे। लेकिन किसी भी सूरत में ऐसे वस्त्र ना पहनना जो ससुर को देखते शट डाउन करने का काम आ जाए। आप जो वस्त्र पहने कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसा मत पहनना कि ससुर को देखते ही शटर डाउन हो जाए। इसलिए हमने सफारी को चुना। सफारी पहनने वाली महिलाएं जब खड़ी हो ससुर भी सामने आ जाए तो कितना भी ढूंढ ले, एक ही तीर से कितने शिकार हो गए। मैं तो आपको घूंघट घूंघट की बात कहता रहा, समझ में आ गया। अब घूंघट की बात ही नहीं करनी, हमें वस्त्रों की बात करनी है। बस सफारी पहनना शुरू करो, घूंघट तो मुफ्त में खत्म हो जाएगा, इतना आसान हो गया। इसलिए महिलाओं को भी चाहिए अगला कपड़ा जब भी बाजार में खरीदने जाओ तो सफारी ही खरीदना, और घर में अगर नहीं पहन पाओ तो कोई बात नहीं, जब भी सारा कार्यक्रम हो उसमें पहन करके आ जाना और पहने पहने घर चले जाना। आपकी गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी और घूंघट से पीछा छूट जाएगा। हम महिलाओं के समग्र विकास के पक्षधर हैं, उनकी बेहतरीन एजुकेशन हो, उनकी अच्छी शिक्षा हो और उनकी अपना व्यक्तित्व भी हो। हमारे समाज में महिलाओं के पास कुछ नहीं है। बाजार में सारे दुकान सारी दुकानों में पुरुष काम करते हैं। कई महिला को देखा है, ये तो बाबा साहब की अनुकंपा हो गई कि सरकारी नौकरियां मिल गई। अगर सरकारी नौकरी ना मिले तो महिलाएं तो पैसा भी नहीं कमा सकती। आपने देखा होगा बहुत महिलाओं को, अभी सर्दी आ गई है, हर शहर में तिब्बतियन पौधों के स्टॉल लगेंगे। उन स्टॉलों में जो काम करती हैं, कपड़े बेचने का काम करती है, वो कौन है? वो महिलाएं हैं। बहुत महिलाएं अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के कारोबार में हाथ बढ़ाती हैं। तिब्बतियन पौधों के पास जो रिफ्यूजी बनकर के भारत में आए हैं, कोई जमीन नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, इसके बावजूद भी उनके बनाए हुए बुद्ध विहारों को देखो, सबसे सुंदर बुद्ध विहार है। उनके आजीविका के लिए आपने देखा होगा कोई भी तिब्बतियन रिफ्यूजी आपको मजदूरी करते नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति कारोबार कर रहा है, व्यापार कर रहा है। हम उनसे सीखें तो भारत की महिलाओं को भी लगेगा कि वो भी अपनी अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम बुद्ध के धम्म की बात केवल इसलिए नहीं करते कि बाबा साहब ही कह के गए, बाबा साहब रास्ता बता गए, अब ज्यादा सोचने का काम हमें भी करना है। भारत 47 में आजाद हुआ और एक साल के बाद चीन आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ उस समय बहुत कम लोग शराब पीते थे और हमने इतनी बड़ी प्रगति कर ली कि देश की सड़कें बनाने के लिए सभी लोगों को शराब पिलाना सिखा दिया। अब अधिकांश लोग, मैं समझता हूं कि आधे पुरुष तो शराब पीते ही होंगे। क्या ये विकास है? हर बस्ती में लोग शराब पीने लग गए। हम क्यों पीने लगे? क्योंकि हम बुद्ध से दूर हो गए और बुद्ध से दूर हो गए तो सील टूट गए, सील टूट गए तो जीवन नष्ट हो गया। दूसरा उदाहरण मैं चीन का दे रहा हूं। जब 48 में चीन आजाद हुआ उस समय चीन का हर तीसरा आदमी अफीम खाता था,
हर तीसरा व्यक्ति अफीम खाता था और लोग कहते थे कि चीन अफीमचियों का देश है और जल्दी ही चीन अफीम के कारण दुनिया के मानचित्र से इसका नाम और निशान मिट जाएगा। लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं, जब चीन आजाद हुआ तो 70% लोग ऐसे थे जो किसी धर्म को नहीं मानते थे, केवल 14% लोग थे जो बौद्ध थे और आज 84% लोग बौद्ध हैं। जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि चीन अफीमचियों के कारण बर्बाद हो जाएगा, बुद्ध की शरण में जाकर के उन्होंने शीलों का पालन किया, अफीम को खाना बंद किया और उसके बाद पुरुष और महिलाएं देश की समृद्धि में लग गई। आज छोटी से लेकर के बड़ी से सारी वस्तुएं चीन से बनकर के आती हैं और हम उसकी उपभोक्ता हैं। पहले जो चीज बाजार में 100 रुपए की मिलती थी आज उससे बहुत कम कीमत पर चीन की तरफ से आ रही है। ये बुद्ध की अनुकंपा बनी उन पर और दुनिया में एक आर्थिक शक्ति बनकर के चीन उभरा है। लेकिन भारत, भारत कौन सी शक्ति बना है? 70 साल के बाद तो याद आ रहा है कि शौचालय बनने चाहिए और मुझे ताज्जुब होता है जब मैं जाता हूं उन पे लिखा है, पता नहीं कहां की घटना है, इज्जत घर। कहां लिखा है? इज्जत घर। बस एक ही काम करना, इज्जत घर बनाना, इज्जत घर। शौचालय इज्जत घर है तो तुम्हारा बेडरूम कहां होना चाहिए? इज्जत घर में। तुम्हारा गेस्ट रूम कहां होना चाहिए? अरे नाम तो ढंग का दे दो, टॉयलेट को टॉयलेट ही कर, या तो घूंघट भी इज्जत और शौचालय भी इज्जत। बात बनती है क्या? महिलाओं को सोचना चाहिए, इज्जत घर। मैं शब्दों के जाल में नहीं भागना चाहता। आजादी की लड़ाई का जो कारण है, बिना पुरुषों के सहयोग के पूरा होने वाला नहीं है। बातें तो महिलाओं ने बहुत कह दी, बस मैं सार गर्भित बात कर रहा हूं। जब शादी होती है उससे पहले रिश्ता होता है जिसे आप सगाई बोलते हैं, गोद भराई बोलते हैं। और पहला उपहार क्या दे क्या हैं लड़का पक्ष की उस लड़की को? कौन सा उपहार है? चूड़ियां। ये चूड़ी देना परंपरा है गुलामी की। और कभी नहीं कहते चूड़ियां हैं, चूड़ियां कहे तो महिलाएं नहीं पहनेंगी, जानती है चूड़ी पहना मतलब गुलामी है। लेकिन कहते ये सुहाग है और सुहाग नाम बदल करके उसे सुहाग बना दिया और महिलाएं पहन लेती है। लेकिन जब से दमभूमि ने बताया कि ये चूड़ियां सुहाग नहीं है, ये गुलामी की बेड़ियां हैं, इन्हें काटो, तो मेरी एक बात याद रखना, शादी रिश्ता करने करते समय उपहार में चूड़ियां कभी मत देना। धमभूमि के जो अनुयायी हैं, धम को मानने वाले हैं, बस उपहार में चूड़ियां मत देना और शादी के पहले भी शादी के बाद भी चूड़ियां मत पहनाना। हमारी बौद्ध उपासिकाएं बहुत देर से चूड़ियां हाथ में लिए खड़ी, मैं बहुत मुश्किल से रोक रहा था, रुको। ये भारतीय बौद्ध महासभा की महिलाएं हैं, इधर आके दे, बहुत सुंदर कड़े पहन रखे थे, कीमत ज्यादा होगी मुझे नहीं मालूम क्या कीमत है, लेकिन आप सबके सामने रोक नहीं पाई, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का साहस पैदा हुआ और आज आपके सामने उत्तर गई चूड़ी। ये बात कहना चाहता हूँ, ये गाजियाबाद से है, विशेष साधुवाद गाजियाबाद के लोगों को, गाजियाबाद के उन लोगों को जो उस माहौल में महिलाओं को तैयार करें, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल हो। ये धागा भी कट जाए तो थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ बाद में, बुद्ध किसी को धागा नहीं बांधते, भले ही प्रतीक के रूप में एक महिला आ गया है, लेकिन जिसने सफारी पहन रखी किसी के हाथ में भी चूड़ी नहीं मिलेगी। अरे एक बात ध्यान से सुन लो, चूड़ी चाहे कांच की हो, चूड़ी चाहे सोने की हो, गुलामी तो प्रतीक का गुलामी ही है। इसलिए जो महिलाएं सोने की चूड़ियां पहन रखी हैं वो सोच रही मैं उतारूं या ना उतारूं। मुझे घटना याद आ गई, बताना चाहूंगा, विशाखा जी खड़े होंगे, ये सोनीपत से हैं विशाखा जी, आज तो सफारी में, उसमें सफारी में नहीं थे, सूट में थे। पलवल में एक कार्यक्रम हो रहा था और मैंने एक टीचिंग दी, उसके बाद बाहर निकला तो ये चूड़ियां तोड़ रही थी। चूड़ी टूटते टूटते एक चूड़ी टूटी नहीं, क्योंकि तोड़ने का स्टाइल भी अलग होता है। हम सब देख रहे थे, देखा तो मैं, ये क्या कर रहे हो? बिल्कुल भी डर नहीं लगता,
चूड़ी तोड़ने, कहने लगी कि अगर चूड़ी टूटने से ही पति मरता हो तो आज मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मरे नहीं है लेकिन आज भी जिंदा है, लेकिन वो पति नहीं है। चूड़ियां टूटी, पति मरे नहीं, पति धम के काम आए। धनते आदित्य जी खड़े हों और उसी भाव में ये भी बह गए घर का क्या करके नीचे। वैसे आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, कभी चूड़ियां आपकी तोड़ो आपके पति भिक्षु बन जाए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो भाव है जिसके मन में पैदा होता है, बस वही उस भाव में बह जाता है। और बातें बहुत सारी हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं, बस इसी बात के साथ विराम दूंगा। केवल महिला पुरुषों के भेद की बात नहीं, इस दुनिया में वो भी लोग हैं जिनके प्रति हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं। थर्ड जेंडर, अगर कोई थर्ड जेंडर है जिसे आप हिजड़ा बोलते हैं, उनके प्रति आपका नजरिया बहुत घृणित हो जाता है। ये भी एक तरह से भेदभाव है। हमारे बीच में राजस्थान से जिला सूरतगढ़ से चलकर के रजनी माई बॉय खड़े होंगे, इनका नाम है रजनी माई बॉय, ये थर्ड जेंडर है, लेकिन आज धर्मभूमि के मंच पर इनका भी बराबर सम्मान दिया जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं है भेद की दीवारों को तोड़ करके, क्योंकि प्रकृति ने किसको कैसा पैदा किया है किसी के बस में नहीं है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा दृष्टिकोण मानवीय होना चाहिए। और जब भी कभी ऐसे लोग मिले उनका उपहास न उड़ाए, उनका उपहास न उड़ाए, उनको अपने सम्मान बराबर का सम्मान दे। और ये धर्मभूमि की परंपरा है, प्रकृति रूप से किसी को कैसा भी पैदा होना पड़ा हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे थर्ड जेंडर हो, लेकिन हमारा दृष्टिकोण सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो आज के बाद जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे उनके प्रति अपमान भरे शब्द नहीं बोलेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उन्हें सम्मान देंगे। जहां प्रकृति ने अन्याय किया है वहां सम्मान आपकी तरफ से होना चाहिए, और यह सम्मान की पराकाष्ठा है। और अंत करते हुए, क्योंकि जिस विषय के लिए सारा कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम आगरा में करना था, आगरा के सूर सदन में करना था, वहां की सीटिंग कैपेसिटी 1000 लोगों की है, पैसा भी जमा कर दिया, फिर ख्याल आया कि 1000 से ज्यादा लोग आ गए तो क्या करेंगे। सोचने लगे तो किसी ने कहा कि ये कार्यक्रम अलीगढ़ में कर लो, बात तुरंत समझ में आ गई और ये कार्यक्रम आगरा से हट करके यहाँ आ गया। और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम यहाँ आना बहुत ही अच्छा रहा, सुखदायक रहा, परिणामदायक रहा। एक घोषणा तो मैं करना चाह रहा हूं, रात को हमने चर्चा की, उससे पहले भी चर्चा की, बहुत सारे लोग देश में शोर मचा रहे हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान को खतरा है कर रहे हैं, संविधान बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। धर्मभूमि की योजना है, संविधान को जब खतरा आ जाए तो लोगों को जगाना चाहिए, जागना चाहिए, और संविधान को भी अपनी रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए। आज से कुछ वर्ष पूर्व 18 मार्च 2015 को आगरा में जीआईसी मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा, बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ, स्टील के पन्नों पर उसका बनाया गया, उसकी लंबाई ऊंचाई जो है 9.25 फीट है, और पुण्य के बाद 11 फीट हो जाता है, वजन उसमें 2 टन है। उस समय जब बना तो सभी लोग बड़े प्रफुल्लित थे कि धर्म ग्रंथ इतना बड़ा क्यों बनाया, कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, एक पेज खोलने के लिए तो कई आदमी लगते हैं, कैसे खुलेगा। हमने कहा कि ये जो स्टील पर बना है ये आपके पढ़ने के लिए नहीं है, हजारों साल के बाद कोई आएगा वो पढ़ेगा, उसकी चिंता हमें नहीं करनी, क्योंकि आपके पढ़ने के लिए तो कागज पर लिखे ग्रंथ है ही। और मुझे बताते फख्र हो रहा है, जब वो धम्म ग्रंथ बनाया उससे पहले लोग उसे पुस्तक कहते थे, बाबा साहब ने खुद उनका धम्म एक पुस्तक लिखी है, लेकिन आज पूरा देश
उसे पुस्तक नहीं मानता, उसे धम्म ग्रंथ मानता है, बोधों का धम्म ग्रंथ। तो बोधों का धम्म ग्रंथ कौन सा है? बुद्ध का धम्म, जिससे हमारा जीवन चलता है। बाबा साहब ने दो संविधान लिखे, एक वो संविधान जिससे हमारा जीवन चलता है, उसको दमभूमि ने दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे भारी धातु पर बनने वाली सबसे बड़ी पुस्तक के रूप में उसे अंकित किया है। और अब जब संविधान पर खतरा आया, जब हमारे जीवन पर खतरा आया, तो हमने बुद्ध के धम्म ग्रंथ को खड़ा किया और हमारा जीवन बदलने लगा। आज संविधान को जब खतरा आया तो उस धम्म ग्रंथ से कम चार गुना बड़ा वो बनना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। कम से कम दो मंजिल पार करके वो खड़ा हो जाए और खुले तो अपनी पंखों को इतना फैला दे कि लोग माफ भी ना पाए। उसका एक पेज की चौड़ाई कम से कम सवा फीट होगी और वजन कितना होगा ये तो बनने के बाद ही पता लगेगा। बस सारी चीजें तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, सैनिक सारे तैयार हैं, धातु भी तैयार है, बनाने वाले भी तैयार हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, उस भारी भरकम संविधान को कहां रखें। हमने आगरा में धम्म ग्रंथ बनाया और कहा था कि इसको आगरा में रखेंगे, चार साल हो गए आगरा के लोग गौर नहीं कर रहे। हमने उस धम्म ग्रंथ को पलवल में रखा है, आपकी अमानत है, आगरा की अमानत है, आप नहीं दे रहे कोई बात नहीं, हम सुरक्षा से रखेंगे। लेकिन वो धम्म ग्रंथ कहां रखना चाहिए ये सोचने का जिम्मा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। 10 बीघा जमीन चाहिए ताकि उसका भव्य बिल्डिंग बन सके। इतना बड़ा धम्म ग्रंथ, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लोग देखने आएंगे। और जितना बड़ा संविधान बनेगा खतरा उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो बनेगा तो करोड़ों लोगों के हाथों से गुजरेगा और गुजरेगा तो आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इसलिए दोनों के दोनों संविधान की हमें रक्षा करनी है, एक तो वो संविधान जिससे जीवन चलता है वो बुद्ध का धम्म है, और दूसरा संविधान भारत का संविधान जिससे देश चलता है। तो देश चलता है उस संविधान को भी मजबूत बनाना है, इतना मजबूत बनाएंगे कि उसको कोई हाथ ना लगा सके। बस इंतजार है उस व्यक्ति की जो रोड के साथ जमीन दे सके, जो जमीन देगा दुनिया उसको जानेगी, सब चीजें खत्म हो जाती है। राजाओं के महल खत्म हो गए, राजाओं के नाम खत्म हो गए, राजाओं की संपत्तियां खत्म हो गई, भारी भरकम हाथी देवो खत्म हो गए, लेकिन जिसने दान दिया है बस उसी का नाम बाकी है। बुद्ध ने राज छोड़ा तो बुद्ध का नाम बाकी है, और जिसने बुद्ध के बाद राज किया उसको कोई जानता नहीं है। जिस श्रावस्ती में राजा पसेंदी राज करते थे आज उसका नाम और निशान मिट गया है, लेकिन 35 एकड़ जमीन पर अनाथ पिंडक नाम के व्यक्ति ने सोने के सिक्के बिछा करके, 52 करोड़ सिक्के बिछा करके खरीद करके अमरवत दान किया था। आज 2500 वर्ष के बाद भी वो जैतवन बुद्ध विहार अनाथ पिंडक का बुद्ध विहार कराता है। पीढ़ियां बदल गई, नाम नहीं बदले। मगध के क्षेत्र में जहां राजा बिंबिसार राज करते थे, उनका बहुत बड़ा महल था, आज उसकी सारी दीवारें नष्ट हो गई, कुछ अवशेष मात्र बचे हैं, लेकिन राजा बिंबिसार ने जो वेणुवन बुद्ध को दान दिया था आज वो वेणुवन आज भी राजा बिंबिसार का वेणुवन कहलाता है और आज भी वो विद्वान है उसी रूप में। आम्रपाली जिसने अपने लिए बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, उसके घर का नामो निशान नहीं है, लेकिन आम्रपाली ने जो आम्रवन बुद्ध को दान दिया वो आज भी आम्रपाली का बुद्ध है, आम्रवन है। कुमार भट्ट जीवक ने जो बुद्ध के निजी चिकित्सक भी बने, उन्होंने बुद्ध को आम्रवन दान किया, वो आज भी जीवक का आम्रवन कहलाता है। पीढ़ियां बदल जाती हैं, युग बदल जाते हैं, महल टूट जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन दान दी हुई चीजें कभी नहीं बदलती हैं। आपने संपत्ति बनाई, आप बूढ़े होंगे तो बेटे के नाम हो जाएंगी, मर जाएंगे तो पहचान खत्म हो जाएगी, वो दुनिया से जाएंगे तो दूसरी पीढ़ी के नाम हो जाएंगी, लेकिन जो दान दे दिया तो आने वाली पीढ़ियां उसी नाम से पहचान करेंगी।
सद्भावान उपासी का सीना सिंह जी ने बुद्ध विहार दान किया है। इसकी नींव बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत नींव है कि हजारों साल तक दीवारें कमजोर हो सकती है लेकिन नींव कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी नींव मजबूत होती है उस पर दोबारा से इमारतें खड़ी हो जाती है। इसलिए दान के लिए तैयार रहे, जिसके भी मन में भाव जाग रहा हो, जिसके पास जमीन हो वो दे सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हम दुनिया को सौंपेंगे और बताएंगे कि बुद्ध ने दुनिया को धम्म दिया और दुनिया बुद्ध के धम्म पर चल पड़ी। भारत ने दुनिया को धम्म दिया, पूरी दुनिया बुद्ध के रास्ते पर चल पड़ी, और भारत ने एक संविधान दिया, पूरी दुनिया उसके संविधान को मानने लगे, चलने लगे। ये हमारी कामना है और महिलाओं की आजादी के आगे आगाज में हम इसे बनाने की घोषणा करते हैं, क्योंकि महिलाओं की आजादी भारत के संविधान से हुई है और भारत के संविधान को हम इतनी शक्ति देता ताकतवर बनाए कोई उसे छेड़ने की जरूरत भी ना कर सके। इतना कहना चाहूंगा, अभी तक संविधान की रक्षा में आप लोग खड़े हैं, दायरा बढ़ाओ। इस देश की तमाम महिलाओं को बताओ कि महिलाओं की आजादी बाबा साहब ने दी है। इस देश के तमाम लोगों को बताओ कि आपको वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, इस संविधान में लिखा है, और वोट की वजह से आप राजा बन सकते हो। राजा बनने का भाव बाबा साहब ने दिया। इस देश में शिक्षा की व्यवस्था बहुत बेकार थी, बहुत गलत थी। एक व्यक्ति पढ़ाता था और उसी की संतानें पढ़ती थी, बाकी मुंह ताकती रह जाती थी। संविधान बनने से पहले विधान में जो लिखा था, शूद्र नहीं पढ़ सकता, महिला नहीं पढ़ सकती, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता, युद्ध कर सकता पढ़ नहीं सकता, वैश्य नहीं पढ़ सकता, वो पढ़ सकता व्यापार कर सकता लेकिन ज्ञान की बात नहीं करेगा। और भारत के संविधान ने सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को बराबर का अधिकार दे दिया पढ़ने का। आज महिलाएं भी पढ़ रही है, पुरुष भी पढ़ रहे हैं। आगाज करो, महिलाओं को बताओ कि भारत का संविधान ने अधिकार दिया है, सुरक्षा करो। सभी पिछड़े लोगों को बताओ, पिछड़े पिछड़े ही रह जाते अगर संविधान ना होता। आज पिछड़े लोग भी पिछड़े के रूप में अपने आप की पहचान बनाने लगे हैं, और जिस दिन पिछड़ा वर्ग ये समझेगा कि इसका कल्याण संविधान से हुआ है तो फिर हमारी ताकत बढ़ेगी और संविधान मजबूत बनेगा। जिस देश का संविधान मजबूत होता है उस देश की जनता सुखी रहती है। लेकिन कुछ लोग संविधान की बात नहीं करके भावनाओं की बात करते हैं। भावनाओं से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और दुनिया को बौद्ध धर्म ने ही अनुशासन सिखाया, दुनिया को बौद्ध धर्म ने ही नियमों में रहकर चलना सिखाया, और जीने के नियमों का नाम ही संविधान है। इसलिए आज मैं घोषणा कर रहा हूं, धर्मभूमि के प्रयासों से, आप लोगों के सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनना चाहिए, और उसके लिए हम समय एक वर्ष का ले रहे हैं। अगले वर्ष 26 नवंबर 2019 को बन करके तैयार हो जाए, ऐसी हमारी तैयारी है। लेकिन निर्भर करती है जमीन पर, बस जमीन मिलनी चाहिए फिर हम संविधान की मजबूती की बात स्थापित करने का काम करेंगे। अंत में मैं साधुवाद देना चाहता हूं समस्त अलीगढ़ की टीम को। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे साथ दिक्कत है कि मैं जिनका नाम लेना चाहता हूँ भूल जाता हूँ, और जिनका याद रखता हूँ वो आदमी काम के नहीं होते। इसलिए मैं इस गलती को खत्म करने के लिए सभी अलीगढ़ वासियों को, बुलंदशहर वालों को, गाजियाबाद वालों को, सासनी, हाथरस, पहासू की टीम को, और सहारनपुर से आई हुई महिलाओं को जो पहली बार सफारी में आई है, मैं बहुत देर नाम याद कर पा रहा, नया नाम याद नहीं आया इसलिए मंच पर भी नहीं बुला पाया। मध्य प्रदेश से आई टीमों को, महाराष्ट्र से आई टीमों को साधुवाद देता हूं। आप लोगों ने तैयारी की, एक कार्यक्रम सुंदर बन सका, हमारी अपेक्षाओं से 5 गुना ज्यादा लोग आ गए। हलवाई भी दुखी हो गए, मैंने कहा भी खुश होकर खिलाओ, बहुत मौका मिला है सेवा करने का। लेकिन ये मजबूत लोग हैं, खाना बनाने में जुटे हैं, किसी को पूरी मिली नहीं मिली ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। बस यहां से जाओ तो एक बात सोच के जाना कि गुलामी की बेड़ी कटी या नहीं कटी। बेड़ियां काटने के लिए आप लोग आए हो, खाना तो एक उपहार है,
एक खाना जरूरी है। तो मैं साधुवाद देता हूँ अलीगढ़ के सभी लोगों को जो दान दे रहे हैं, जिन्होंने खाना बनाया है, जिन्होंने बनवाया है, उन सबको साधुवाद देता हूँ। और आगे एक और बहुत मजबूत सा कड़ा, इतने मजबूत मजबूत कड़े भी टूटेंगे तो बात टूटेगी। एक बात रह गई जो बहुत जरूरी थी, सभी महिलाएं जो सफारी में है यहाँ आ जाए, जो मंच पर खड़ी हो सकती मंच पर खड़ी हो जाए, जो नीचे खड़ी हो सकती नीचे खड़ी हो जाए, सभी महिलाएं सर। हाँ जी, चलो बहुत बहुत साधुवाद। ये पहनती नहीं है लेकिन जब कोई बाहर आती है तो चुनरी डाल लेती है, आज के बाद ये भी नहीं करेंगी। बहुत बहुत साधुवाद। सभी महिलाएं कुछ मंच पर आ सकती हैं और सीधी एक लाइन में खड़े हो जाए। सफेद कपड़ों में जो महिलाएं वो भी आ सकती हैं और ये आगाज करेंगी आप आजादी का, ये आगाज होगा। हाँ, अगला जो बैनर बनेगा उसमें यही फोटो लगेगा, ध्यान रखना, अगले फ्लेक्स में यही फोटो लगेगा। फोटोग्राफर ध्यान से शूट करो, मैं दूर होकर दोनों हाथ ऊपर करके आगाज कर, दोनों हाथ ऊपर कर, दोनों हाथ ऊपर करो, शाबाश, दोनों हाथ ऊपर नीचे, हाँ दोनों हाथ ऊपर करें, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करें कैमरा में। लाइन सीधी बनाओ, लाइन सीधी बनाओ, लाइन सीधी। सबे सत्ता सुखी हम तो सबे हम तो चटे सबे भक्राणी पशंतो माकिंच दुख मागम सबे सत्ता सुखी हम तो सबे हम तो चटे मिनो सबे भक्राणी पशंतो माकिंच।